शराब दुकान में आबकारी नीतियों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। यहां शराब की दुकानों में किसी भी तरह की वेट लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। जिनके जिम्मे वेट लिस्ट की निगरानी है वो शासन के आदेश पर दुकानों का इंस्पेक्शन करने बिना आते हैं, लेकिन उनकी वेट लिस्ट के बोर्ड पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है, लिहाजा वो कागजी खाना पूर्ति करने की ड्यूटी तक ही सीमित रहते हैं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इन्हीं आबकारी विभाग के अधिकारियों के सामने अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP से ज्यादा में शराब बेची जाती है, लेकिन इस पर आवाज नहीं उठती। बता दें कि मध्य प्रदेश के आदेश के बाद पूरे प्रदेश की तरह कटनी में भी आहाते कागजों में बंद कर दिए गए, लेकिन नई आबकारी नीति से दुकानदारों का नुकसान होना था। अब इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, इसके लिए बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से दुकानों के बाजू से नाश्ते की दुकानें खुलवा दी गई, जहां वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई जो आहाता में हुआ करती थी। देखिए, जहां तक शराब बेचने की बात है तो जो दुकान में शराब बेच रहे हैं उसके लिए शासन ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन जो पैकारी चला रहे हैं उस पर हम लगातार जो है प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। कल लगभग हमने 10 प्रकरण बनाए थे पैकारी से रिलेटेड, और आज भी अभी हमने कोतवाली में 2 प्रकरण पकड़े हैं जिसमें काफ़ी मात्रा में शराब भी है, और रंगनाथ में भी अभी पकड़े हैं, और डेली जो है हम दबिश दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अवैध शराब की बिक्री ना हो सके। ऐसा कहना गलत है, क्योंकि जो है आज देखिए आप और कल भी देखिए तो अंग्रेजी शराब में ही कार्रवाई हुई है। जो ठेकेदार की पैकारी है उसमें हमने कार्रवाई की है। आज भी जितने प्रकरण आप देख रहे हैं रंगनाथ में, कोतवाली, वो केवल कच्ची शराब के नहीं है, पक्की शराब है। देखिए, इसमें तो हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उनके कहने से नहीं है, जो रिटर्न में है, जो हम डेली कार्रवाई करते हैं, आपके पास भी DSR वगैरह आती होगी, है ना, उसमें डेली हम लगभग प्रतिदिन कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें कार्रवाई ना होती है। जिले में शराब वैध, कटनी जिला होगा जहां पे माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना होती है। सबसे पहली बात तो शराब में लूट हो रही भरपूर, रेट लिस्ट नहीं होती है, रेट लिस्ट से 10 गुना दामों में बेचा जाता है, और ये पूरा सिंडिकेट शराब माफिया बड़े बेरहमी से अधिकारियों को पालतू कुत्ते की तरह पैसे दे करके पाल के लूटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात, गली गली अवैध पैकारियां खुल गई हैं। शराब तो इस तरीके से शहर को बर्बाद कर रही है जैसे पहले ज़माने में कटनी अवैध व्यापार के लिए नंबर 2 के लिए मशहूर था, उसी तरीके से शराब के लिए शहर मशहूर है। पूरे कटनी शहर में अवैध पैकारियां, एक एक मोहल्ले में 2-2 शराब की दुकानें पैकारियों के माध्यम से शराब बेची जा रही है। कई बार जिला आबकारी अधिकारी को अवगत कराया गया, थानों में सूचना दी गई कि यहाँ अवैध शराब बिक्री की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जाके शराब लेते हैं, किसी भी दुकानों में नहीं लगा कि 18 साल से कम बच्चों के लिए शराब वर्जित है देना, ऐसा कहीं भी किसी भी शराब दुकान में कोई भी रेट नहीं लिखा गया कि क्या रेट है। सब मनमानी शराब माफिया इस समय कटनी शहर में हावी है, प्रशासन भी उनका साथ दे रहे हैं, जो कि कटनी शहर के लिए बहुत ही गलत बात है। हम अब जांच करवाते हैं तो नई विभागीय कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे द्वारा हर गाँव में जहां की खबर मिलती है दबिश की जाती है, प्रकरण कायम किए जाते हैं और न्यायालय में पेश किए जाते हैं। नहीं, यहाँ से सभी बंद हैं, यदि ऐसा है तो हम उसको दिखवा के सब बंद करवाते हैं।